विद्या मंदिर ने लहराया परचम, टॉप 10 में 4 स्थानों पर कब्जा। जहांगीराबाद के प्रहलाद स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ने जिले में परचम लहरा दिया। इंटर कॉलेज के 4 विद्यार्थियों ने जनपद के टॉप 10 में स्थान बनाकर जहांगीराबाद का नाम रोशन किया है। इंटरमीडिएट जिला टॉपर सचिन सैनी जहांगीराबाद के प्रहलाद स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र हैं। विद्यालय के 3 और बच्चों ने जनपद के टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया है। विद्या मंदिर के ही छात्रा कीर्ति सिंह ने जनपद में 4th स्थान, गांव सांखनी निवासी बुशरा खानम ने जनपद में 8th स्थान व जहांगीराबाद निवासी प्रियांशी वर्मा ने 10th स्थान प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया है। विद्यालय प्रबंधक नीरज वार्षणेय ने बताया कि हाई स्कूल में विद्यालय का परिणाम 100% रहा, जबकि इंटरमीडिएट में 95.15% रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यालय के अध्यापक कड़ी मेहनत और लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक वर्ष जनपद में नाम रोशन करते हैं। अध्यापकों ने बच्चों को बधाई दी। इस दौरान नरेंद्र कुमार शर्मा, विनय अग्रवाल, राजकुमार सिंह, अखिल कुमार, हरि सिंह, अमित शर्मा, नरेंद्र आदि मौजूद रहे। क्या नाम है बेटा आपका? पिताजी का क्या नाम है? माता जी का? कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। आपकी बोर्ड यूपी बोर्ड में जो आए हैं इंटर में, क्या पोजीशन आई है आपकी? मेरे 85.4% का। अच्छा, इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को। अच्छा, आगे क्या फ्यूचर है, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं आप? क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर सेवा में, चिकित्सा सेवा में जाना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? सचिन सैनी। सचिन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और सर, कितने आपने अंक पाए हैं? सर, मैंने इस साल 12th पास किया है। मैंने 88.4% के साथ 12th पास किया, जो जिले में पहला स्थान है। अच्छा, आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? सर, मैं पहला स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर जहीराबाद इंटर कॉलेज। आपने प्रथम स्थान पाया है जी सर, किस तरीके से आपने तैयारी की? सर, मेरा तो ये मतलब सुबह को उठना, उसके बाद ये डिसाइड करना कि आज तुझे मतलब 4 या 5 घंटे जितना ही पढ़ना है, मतलब कोई प्रेशर नहीं, पहले ही एम बनाना कि इतने घंटे पढ़ना, तो इतने घंटे पढ़ना बस इसी के साथ। उसके बाद अपना जो दोस्तों के साथ खेलना कूदना, घर का काम बस। कोचिंग भी करते थे आप कहीं? कोचिंग लिखते? कोचिंग मतलब ट्यूशन वूशन? हाँ, ट्यूशन पढ़ता था मैं। अच्छा, कितने घंटे कोचिंग जाते थे? ट्यूशन तो मैं 2-2.5 घंटे जाता था, आधा घंटा आने जाने। सब्जेक्ट क्या रहे हैं आपके? सर, मुझ पर PCM रही थी। PCM जी। अच्छा, तो आपके पिताजी क्या करते हैं? सर, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। आपके परिवार में से कोई और भी पहले यहाँ टॉपर रहा है? हाँ, मेरे भाई जो बड़े वाले हैं हरीश सैनी, उन्होंने 10th में जिले में सेकंड रैंक ली थी। अच्छा, आप जो है आगे चल के क्या बनना चाह रहे हैं? सर, आगे चल कर मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ सिविल सर्विस की तैयारी करूँगा। अच्छा जी, तो किस तरीके से आपने अभी तक तैयारी की है उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ सोचा है ग्रेजुएशन के बाद में? ग्रेजुएशन के बारे में? हाँ, वो मैंने CUT का फॉर्म डाला अभी। अच्छा, वो उसकी शायद एग्जाम उसके जुलाई की मिडिल में ही मतलब जब। सर, क्या नाम है आपका? भजनलाल। भजनलाल जी, आपके बेटे ने जिले में टॉप किया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा जी। आपने कभी सोचा था आपका लाल ऐसे कमाल करेगा? नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। नहीं। आप क्या कार्य करते हैं? मजदूरी करता हूँ। आपके बेटे ने पूरे जिले में टॉप किया है, गर्व है ना? किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाई में सहयोग करते हैं? ऐसा ये बस, तुम्हार भजन तो उधार लेके पैसा पढ़ाते रहे। तो अब आपको कैसा फील हो रहा है? खुशी का आंसू है। खुशी का आंसू। आपके एक बेटे ने पहले भी टॉप किया है जी, वो बड़ा दादा। आप खुद दोनों माता पिता इनके पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपने पढ़ाई का महत्व कैसे समझा? आपने कहाँ से सोचा कि बच्चों को जो है पढ़ाई में आगे बढ़ाएं, अच्छे विद्यालय में पढ़ाएं? हम भी इनके साथ पढ़े हो जाए, मजबूरी में छोड़ी पढ़ाई। अच्छा, करके तीते देख बालक पढ़ाने सोचे, बालक पढ़ाए और कुछ ना। संवाददाता अमित राणा की रिपोर्ट।